नमस्कार, कैसे हैं आप? फाइन। मैं वैसे आपको अपनी बात बताने नहीं आया हूं, आपकी बात सुनने आया हूं। आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, वो थोड़ा मैं समझना चाहता हूं कि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो हमें किस बेसिस पे काम करना चाहिए। फोकस हमारा हेल्थ केयर और एजुकेशन होगा, जो पिछले 22 साल में मुझे लगा है कि निग्लेक्ट किया गया है और होलसेल प्राइवेटाइजेशन उसका किया गया है। और वो प्राइवेटाइजेशन मतलब वो पोलाइट शब्द है, एक्चुअली सीधा लोगों के जेब से पैसा निकालना है वो, बट उसको पोलाइटली प्राइवेटाइजेशन, होलसेल प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मैं आपके सामने दो तीन चीजें रखना चाहता हूं। यूपीए की सरकार थी और मनरेगा का हम प्रोग्राम लाए। मनरेगा को चलाने के लिए पूरे देश में 35,000 करोड़ रुपए लगे थे, 35,000 करोड़। 35,000 करोड़ ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और लाखों लोगों की बिल्कुल जिंदगी बदल दी। जितना पैसा हमने मनरेगा में डाला, 35,000 करोड़ रुपए, उतना पैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने टाटा नैनो फैक्ट्री में डाला। आप बात को अप्रिशिएट कीजिए। एक तरफ आपने पूरे हिंदुस्तान की लेबर मार्केट के नीचे फ्लोर रख दिया कि भैया इस देश में इतने पैसे से कम कोई काम नहीं करेगा, और इससे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आया, गांव में प्रोस्पेरिटी हुई, और जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ जो हिंदुस्तान में हुआ, 9% जो ग्रोथ हुआ था। कुछ महीने पहले मेरे पास इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए एक बात हम अप्रिशिएट नहीं कर पाए थे, हम आपको अभी बताना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी हिंदुस्तान में, ज्यादा से ज्यादा रूरल एरियाज में हुई थी, और उसका सबसे बड़ा कारण मनरेगा था। तो 35,000 करोड़ रुपए से आपने पूरे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा दिया, करोड़ों लोगों को आपने रोजगार दिया। और इस तरफ एक प्रदेश में एक उद्योगपति को 33,000 करोड़ रुपए दिए गए। छह 700 लोग बैठे हैं यहां पे, कोई नैनो चलाता है? कोई है यहां पे? कोई है यहां पे जो नैनो चलाता है? आप सड़कों पे चलते हो, घूमते हो गुजरात के शहरों में, हिंदुस्तान में, आपने कहीं नैनो देखी है? क्या हुआ 33,000 करोड़ रुपए का? कहां गया? कहां गया? मतलब मेरी हॉबी है, अब अलग अलग प्रदेशों में जाता हूं, मेरी हॉबी है नैनो ढूंढना। कहां है ये नैनो? पिछले 3-4 महीने में मैंने एक देखी दिल्ली में, वो भी पार्क्ड। मैं मजाक कर रहा हूं, हंसी आ रही है, मगर सच्चाई यह है कि अगर 33,000 करोड़ रुपए गुजरात के एजुकेशन बजट में डाल दिया होता, या गुजरात की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में डाल दिया होता, या गुजरात के अस्पतालों में डाल दिया होता, या गुजरात के जो सूरत में डायनामिक आर्टिजन हैं,
स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस चलाने वाले लोग हैं, अगर उनके हाथ में डाल दिया होता तो इस प्रदेश पर पॉजिटिव असर हो सकता था। अब मैंने 33,000 करोड़ की बात की है और मैंने सिर्फ एक उद्योगपति की बात की है और एक प्रोजेक्ट की बात की है। पिछले 22 साल में आप लोगों को आदत पड़ गई है, खराब आदत है, नैनो प्रोजेक्ट 33,000 करोड़ रुपए, किसी और उद्योगपति को 10,000 एकड़ जमीन, नर्मदा की का पानी इसको मिल रहा है, बिजली उसको जाएगी। देखिए, अगर हम 33,000 करोड़ रुपए किसी को दे रहे हैं, अगर गुजरात अपना पैसा किसी को दे रहा है, तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। भैया 33,000 करोड़ रुपए का हमने किया क्या? तो ये होलसेल पिछले 22 साल, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, होलसेल आपका पैसा 5-10 लोगों के हवाले कर दिया गया है। ये रियलिटी है गुजरात की। मैं सूरत गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जहां भी देखो मेड इन चाइना, आपके पास सेलफोन होगा मेड इन चाइना। मैं आपको गारंटी देके कहता हूं, अगर आपने 33,000 करोड़ रुपए सूरत के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को दे दिया होता, वो चाइना के सामने खड़े हो जाते, वो उनमें कैपेबिलिटी है। तो जो गुजरात की स्ट्रेंथ है, पिछले 22 साल उसका प्रयोग नहीं किया गया है। वो पूरी की पूरी शक्ति लेकर 5-10 उद्योगपतियों को दी गई है। आज मैं मछुआरों से बात कर रहा था, आप मुझे बताइए गुजरात में कितने पोर्ट्स बनाए, कितने गवर्नमेंट पोर्ट्स बनाए, और एक उद्योगपति को सब पोर्ट्स पकड़ा दिए। कोई सवाल पूछता है कि किस बेसिस पे एक व्यक्ति को आपने सब के सब पोर्ट्स पकड़ा दिए? स्ट्रेटेजिक मामला है, मामूली मामला नहीं है। और एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी को आदत लग गई है, स्वयं जाके फ्रांस में राफेल डील को बदल देते हैं पर्सनल बेसिस। वो डिफेंस मिनिस्टर मच्छी फिश मार्केट में खड़ा है, उसकी फोटो है, उससे पूछा भैया आप यहां क्या कर रहे हो, वहां पे तो मतलब फ्रांस में डील बदल दी, मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री ने किया। अब हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी देखिए पूरे देश में सब बिजनेस ठप हो गए, आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी लागू की, गब्बर सिंह टैक्स। अजीब सी बात है, गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं, मगर एक ही बिजनेसमैन है जो 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ में बदल सकता है, और वो आपके पार्टी प्रेसिडेंट के पुत्र हैं। उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। गुजरात का चुनाव है, पार्लियामेंट हाउस में हम राफेल डील को उठाना चाहते हैं, हम आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास थोड़ा इंफॉर्मेशन है कि जो प्रोसीजर होता है उसको आपने फॉलो नहीं किया, आपने इंडिविजुअली जाके डील बदल दी, किस बेसिस पे किया। जय शाह के बारे में हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, मगर आप पार्लियामेंट को नहीं चलाने देना चाहते हो। आप देख लेना, गुजरात के चुनाव से पहले पार्लियामेंट हाउस नहीं खुलने वाला है, रियलिटी है। तो इस चीज को हम बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गुजरात में सरकार आए तो अगर 33,000 करोड़ रुपए किसी को मिले तो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिले,
आपके अस्पतालों को मिले। और हम चाहते हैं कि अगर कोई डिसीजन लिया जाए, आजकल फैशन है मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूं, हर 10 दिन मैं आपसे मन की बात करना चाहता हूं। हम अपनी मन की बात नहीं करना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं। और मैंने काफी लंबा भाषण कर दिया है, तो आप मुझे बताइए, अगर यहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते तो हायर एजुकेशन में, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम गुजरात के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें, बताइए। नमस्ते राहुल जी, मेरा नाम डॉक्टर शशिकांत तेरिया है। मैं केमिस्ट्री विषय में अध्यापक सहायक हूँ। केमिस्ट्री और मैं जो गुजरात स्टेट जो अध्यापक सहायक एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। जो गुजरात में जो हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में जो टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें बहुत भेदभावपूर्ण नीति होती है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से पूरी सैलरी देकर सभी लाभ देकर उस भर्ती होती है, और जो ग्रांटीनेट कॉलेजेस है उस ग्रांटीनेट कॉलेजेस में अध्यापक सहायक के नाम से 5 साल तक फिक्स सैलरी के रूप में भर्ती किया जाता है। ये जो 5 साल फिक्स वाली पॉलिसी है वो गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी जेब से निकाले 2005 में, क्योंकि जो हायर एजुकेशन में टीचर्स की जो सैलरी है वो यूजीसी प्रोवाइड करता है। यूजीसी में अध्यापक सहायक नाम की कोई पॉलिसी नहीं है, फिर भी गुजरात गवर्नमेंट ने उसके अपनी जेब से निकाले। और ये जो 5 साल जो अध्यापक सहायक काम करता है उसको फिक्स सैलरी और साल की 12 CL के सिवा कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। ये सारे अध्यापक सहायक है जो नेट स्लेट और पीएचडी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं। इस अध्यापक सहायक को ना ही उसका जो जॉब सिक्योरिटी है, ना ही जॉब प्रोटेक्शन है, ना ही उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ना ही उसको मेडिकल लीव मिल रहा है, और ना ही ये जो 5 साल का जो पीरियड है उस पीरियड को सीनियोरिटी और उसको जो हायर स्केल उसमें उसको काउंट किया जाता है, नहीं किया जाता है। और ये जो 5 साल का जो पीरियड है उसमें जो अध्यापक सहायक वो बड़े डर में टेंशन में जी रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बाद अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलर नहीं करेगी तो वो क्या करेगी। तो और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं, दिसंबर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आप लोग रिलैक्स कर सकते हो। और सर दूसरी बात, ये जो आपका फिक्स्ड पे का है ये अनफेयर है और इसको हम बदलेंगे। सर दूसरी बात ये करना चाहता हूं, ये जो फिक्स पे पॉलिसी है वो गुजरात मॉडल की मैं कहना चाहता हूं, ये विकास चक्की है। हमारे घर में जो चक्की है उसमें जो आटा निकलता है, और गुजरात मॉडल की जो विकास चक्की है उसमें जो युवाओं को सोचा जा रहा है, उसको पीसा जा रहा है, और उसके से जो पैसे निकलते हैं वो उस पैसे का इस वाइब्रेंट के ताइफे में यूज किया जा रहा है, वो हमारे हक का पैसा है। और हमने इस विकास चक्की को बंद करने के लिए अडिखम गुजरात, ट्विटर टाउन हॉल जैसे कई कार्यक्रमों में 50,000 से ज्यादा सवाल उठाए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। हमने 50 से ज्यादा आवेदन पत्र दिया है, फिर हमको मालूम हुआ कि आवेदन पत्र की सरकार नहीं, ये आंदोलन की सरकार है। हमने आंदोलन भी किया फिर भी कोई जवाब नहीं। तो गुजरात के लाखों युवा आपसे ये उम्मीद करना चाहते हैं कि जो विकास चक्की है वो राहुल जी क्या विकास चक्की को बंद करेंगे, गुजरात के युवाओं के लिए ये संकट मोचन का काम करेंगे राहुल जी? हां जी करेंगे। एक एक मैं आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है उस पर थोड़ा सा कॉमेंट करना चाहता हूं। फैशन बन गया है, लोग कहते हैं गुजरात मॉडल, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी रूपानी बीजेपी मॉडल है। गुजरात मॉडल का मतलब गुजरात की जो शक्ति है उसका प्रयोग करना। उसका गुजरात मॉडल का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं न्यूजीलैंड गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। दूध का उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है,
दुनिया में हर देश में वो दूध बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे बुलाया, मेरा प्रेजेंटेशन किया वहां पे, नक्शा लगा रखा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नक्शा था, और हर देश में वो एक्सपोर्ट करते थे, और बीच में एक देश था जहां उनका एक्सपोर्ट नहीं था। आप जानते हो कौन सा? इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बात बताइए, आप मुझे यहां बुलाया है, आपने ये नक्शा लगा दिया, आप सब जगह दूध भेजते हो, इंडिया में क्यों नहीं भेज पा रहे हो? और वहां के मंत्री का जवाब मिला, मिस्टर गांधी, अंग्रेजी में बोलता हूं क्योंकि उसने अंग्रेजी में बोला था, वी कैन नॉट कंपीट विद द वुमेन ऑफ आनंद। हम बाकी सबको परे कर सकते हैं, मगर पता नहीं ये क्या है, आनंद में क्या है, गुजरात में क्या है, इससे हम नहीं लड़ पा रहे हैं। वो है गुजरात मॉडल, कि गुजरात की महिलाओं की शक्ति का प्रयोग करो, गुजरात के स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की शक्ति का प्रयोग करो, गुजरात के युवा जो हैं उनको एजुकेशन देकर उनका प्रयोग करो, वो है गुजरात मॉडल। जो पिछले 22 साल यहां हुआ है, दैट इज नॉट गुजरात मॉडल, दैट इज नरेंद्र मोदी मार्केटिंग मॉडल, एंड इट इज नाउ रूपानी मॉडल। दैट इट इज नॉट फेयर टू कॉल इट गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल इज समथिंग एल्स। गुजरात मॉडल इज कि दुनिया का सुपर पावर यहां आता है और गुजरात के दो लोग खड़े हो जाते हैं, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, उनको भगा देते हैं। दैट इज गुजरात मॉडल। दिस लास्ट 22 इयर्स नॉट गुजरात मॉडल, सॉरी। और जो आपने चक्की की बात की, सबको हम रिलैक्स कराना चाहते हैं, कंफर्टेबल कराना चाहते हैं। और अगर हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, और मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, अगर हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, आप लोग हमारे स्टेक होल्डर्स हो, वी रिपोर्ट टू यू, हम आपसे पूछकर बनाएंगे। नमस्कार राहुल सर, मैं डॉक्टर रंजना अवस्थी बोल रही हूं। आप कहां हैं? यस सर, आपके सामने ही हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, संस्कृत विषय में मैंने पीएचडी 94 में किया, और 94 से ही सर हम एक ऐसी अवस्था से पसार हो रहे हैं जो अगर आप सुनोगे तो आप खुद दुखी हो जाओगे। उस समय से हम पार्ट टाइम अध्यापक के रूप में हैं, 2500-1500 की पे, आज 22 साल के बाद, 22 साल के बाद सर हमारी पे 12000 रुपए है, सिर्फ 12000। आप सर, आप समझ सकते हो सर, हमने वो परिस्थिति सहन की है, एक जो महिला को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए वो भी हमें नहीं मिली, उसके जो उसके साथ जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सबसे हमको वंचित रखा गया। हमने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी यातनाओं को सहन किया, और उन 22 साल के बाद सर आज हमें 40000 के फिक्स पे में रखकर हमारी पुरानी जो सेवा है उसको शून्य कर रहे हैं। आप सोच सकते हो कि हमने ये सोचा था कि शायद रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ लाभ मिलेगा, तो वो भी खत्म। सर आप थोड़ा हम पर ध्यान दो, हमारी परिस्थिति को समझो, हम सिर्फ आपसे अपेक्षा करते हैं कि हम रिटायर हों तो कम से कम पेंशन के साथ रिटायर हों, ताकि आत्मसम्मान के साथ हम आगे की जिंदगी जी सकें। युवावस्था में हमने बहुत मेहनत की है सर, किस तरह से हमने सहन किया है वो सर हम ही समझ सकते हैं, या हमारी महिला जो अध्यापिका हैं वो सहन कर रही हैं। प्लीज सर, ये गंभीर मुद्दा है,
उस पर आप पूरा ध्यान दें और जो दयनीय स्थिति हमने सहन की है वो आपके शासन के समय किसी महिला कर्मचारी को न सहन करनी पड़े, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ सर। कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं जिनका जवाब शब्दों से नहीं किया जा सकता है। हेलो, વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે તમામે પોતાની જગ્યા ઉપરથી ખસવાનું નથી, પોતાની જગ્યા ઉપર ઉભા રહી પણ જગ્યા ન છોડે એ મારી ખાસ આપ સૌને વિનંતી છે। ગુરુજનો આપ સૌ પોતપોતાની જગ્યાએ આસન લઈ લેશો। હેલો, જે પણ અધ્યાપક મિત્રો આજુબાજુ છે એ પોતાની જગ્યાએ બેસવા માટે વિનંતી છે। આ એક એવી પરિસ્થિતિ છે કે જે છેલ્લા 25-25 વર્ષ સુધી પાર્ટ ટાઈમ અધ્યાપક તરીકેની સેવા આપે છે અને એ પાર્ટ ટાઈમ અધ્યાપકને જ્યારે નિવૃત્તિના આરે ઉભા છે। થેન્ક યુ વેરી મચ, સૌને શાંતિ જાળવવા વિનંતી। દેખીએ, હેલો, યે राहुल जी आगे बढ़ो। हम लोगों ने जिस भावुकता से बात की गई है और आपके यहां बड़ा इश्यू बना हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, राजस्थान में भी प्राइवेट सेक्टर में स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं, आपको मालूम है। हमने आपको जान के खुशी होगी जो एडिट कॉलेजेस थी प्राइवेट जो भी थी स्कूल, उन सब के टीचर्स को हम लोगों ने गवर्नमेंट टीचर्स बना दिया एक ही ऑर्डर के अंदर, जो हिंदुस्तान में पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है कि हमारे आज जो एडिड स्कूलों के कॉलेज के जो टीचर थे वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए हैं। उनकी पे स्केल जो 8-10 हजार थी वो 30-35 हजार हो गई है। इस प्रकार के संभावना है और संभव है फैसले करने के। गुजरात में सुनता हूं कि आपके यहां जितने एम्प्लॉय है अधिकांश लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या ठेका प्रतिभा है, इस समझ के परे हैं। तो राहुल बाकी बात बताएंगे आपको। धन्यवाद। हेलो, गुड इवनिंग राहुल जी। गुड इवनिंग। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्ट टाइम लेक्चरर्स एसोसिएशन, आई एम अ लॉयर ऑल्सो। मैं ऐसा एक चीज बताना चाहता हूं, दो तीन चीज है। एक चीज यह है कि जो पार्ट टाइम लेक्चर्स आई वर्क फ्रॉम राइट फ्रॉम 1980 टू 2015 एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर, आई रिटायर विथ ए स्मॉल बुके एंड वन साल। स्मॉल बुके एंड वन साल, सॉल 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 सॉल। हाँ, आई डू नॉट गेट एनी बेनिफिट, आइदर ग्रेजुटी नॉर पेंशन नॉर प्रोविडेंट फंड, नथिंग। Even medical leave was also not there, as said by my colleague. The question is, Rahul ji, कि हमारा part time lecturers के बारे में 1998 में UGC ने एक order issue किया था कि सब part timers को prorata पगार देना चाहिए, मतलब full time पर जो get देते मिलता है उससे आधा या जो भी according to workload वो देना चाहिए। वो यूजीसी का जो सर्कुलर था उसके मुताबिक आज दिन तक हमारे कोई भी पार्ट टाइमर को
प्रोरेटा सैलरी नहीं मिला। एक बार हम लोग कोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने हमारी फेवर में ऑर्डर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसा करती है कि वो हाईकोर्ट में अपील कर देती है, अपील कर देते हैं, उस बाकी सब पार्ट टाइमर्स लटक जाते हैं। और आज 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 हमारी स्थिति यह है कि हमारे पार्ट टाइमर जो 9 लेक्चर्स लेते हैं उन लोगों को करीब करीब 18,000 रुपीज मिलता है, और हमारे साथ जो ज्वाइंट हुए फुल टाइमर 1998 में वो लोगों को आज 1,40,000 मिलता है। तो मतलब यह है कि हमको 70,000 देने की बजाय ये गवर्नमेंट हमको 18,000 देती है। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लोइटेशन। सी वी आर टेकिंग ओनली 9 लेक्चर्स इन अ वीक, दे आर टेकिंग 18 लेक्चर्स इन अ वीक। वी आर ऑल्सो डूइंग अदर वर्क, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क, दे आर ऑल्सो डूइंग एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क। इवन देन द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग से प्रोरेटा सैलरी एंड दे आर गोइंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे फिक्स पगार के बारे में सुप्रीम कोर्ट में गए तो दे आर नॉट विलिंग टू गिव प्रॉपर सैलरी टू देयर एम्प्लॉइज, एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लोइटेशन। राहुल जी, मैं आपसे ऐसा उम्मीद रखता हूं कि अगर आपकी गवर्नमेंट आए तो ऑल द पार्ट टाइमर्स मस्ट गेट से प्रोरेटा सैलरी राइट फ्रॉम 1996 एज पर यूजीसी डायरेक्शन। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, सी वी आर वर्किंग, वी आर अपॉइंटेड आफ्टर रेगुलर प्रोसेस एंड अदर थिंग। वी आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड टीचर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ वी आर डिमांडिंग परमानेंसी, दैट इज फुल टाइम, वी शुड बी एब्सॉर्ब एज अ फुल टाइमर। इवन देन वी आर क्वालिफाइड, गवर्नमेंट इज नॉट absorbing us as a full timer. See, there was one judgment of the Supreme Court in the case of Karnataka, where Kapil Sibal fought this case on behalf of the teachers, and the Supreme Court has said all the part timers, those who are working for more than 10 years, they should be regularized, and if there is some problem in the say qualification, they may be given 5 years more, and they may get absorbed in the system. Our part-timers are till now, because we are working for more than 20 years as a part-timer, even then we are not getting that benefit. Aur jo diya wo bahut illusory tha, 9 lecture ka 18,000 tha aur usme humko sirf 40,000 diya, matlab double kiya, double kaam kiya, double salary. So we are, yes sir. So, okay. Sir, this is our problem. Or third problem, जो बहुत serious है, last में मैं बोल देता हूँ, very serious. और मैं दो चीज पर, एक शक्ति सिंह गोयल साहब ने, आपके कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल साहब ने एक बार विधानसभा में हमारा प्रॉब्लम रेज किया था, और हमने बार बार अपना आंदोलन किया, तो हमको दो दफे ये गवर्नमेंट ने परमिशन आंदोलन करने के लिए नहीं दिया। सो देट इज ऑल्सो वेरी वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, freedom of speech and expression that has been taken away by the government. These are our problems, sir. Thank you. Freedom of speech or expression जो है, ये भी आपकी एक यहां पे मतलब मोदी जी ने आदत लगा दी है। हमारा जो कल्चर है कांग्रेस पार्टी का, वो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। वो आपको दिख भी जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा स्पीच भी हो जाती है, बहुत ज्यादा भी फ्री हो जाता है। तो ये हमारी नहीं, आपको, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, हमारे जो पार्टी में है, कभी कभी मतलब ज्यादा फ्री हो जाता है, मगर इससे फायदा होता है। जो आपकी पार्ट टाइम टीचर्स की सिचुएशन है, उसके बारे में आप डिटेल में मुझे दे दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी फुल बेनिफिट मिले, आप भी रेगुलराइज हों। हेलो, हाँ नमस्ते राहुल जी। नमस्कार, मैं राजेंद्र जाधव, राजीव गांधी स्टडी सर्कल का गुजरात स्टेट का को कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, ये मोदी सरकार ने, ये आपने सुना, दो प्रकार के अध्यापक का नाम सुना, पार्ट टाइम अध्यापक और अध्यापक सहायक। मैं तीसरी कैटेगरी का अध्यापक की बात करूंगा। अच्छा,
मोदी सरकार अध्यापकों में भी ये डिवाइड एंड रूल कर रही है। मैं एडहॉक टीचर की बात करूंगा, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आर्ट्स कॉमर्स और साइंस फैकल्टीज वाली साइंस कॉलेज सरकारी कॉलेज की बात करूंगा। सर यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ 60% जो प्रोफेसर है वो मेडिकल कॉलेज में एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी और सरकार कभी भी उसको रिलीव भी कर सकती है। ये जो प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ सरकार ने हमारे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी आपकी तब 6 मेडिकल कॉलेज बनी थी और मोदी सरकार ने 7 मोदी सरकार ने एक भी मेडिकल कॉलेज बनाई नहीं है। मेडिकल कॉलेज बनाई लेकिन वो खानगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाई जिसके अंदर फीस 15 से 20 लाख तक की फी वो लेते हैं। मैं बात करूंगा एडहॉक प्रोफेसर की, तो मेडिकल कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है उनके अंदर जो प्रोफेसर है वो एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे हैं और उसके साथ वो सिविल में भी वो सेवा कर रहे हैं जो हमारे आरोग्य के साथ जुड़ा हुआ है। अभी वो जो प्रोफेसर है वो कितना दबाव में काम कर रहे होंगे क्योंकि वो एडहॉक बेसिस पर है, उनका नौकरी का एक सवाल उठता है। दूसरी में बात करूंगा इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं या तो एडहॉक बेसिस पर, उनमें भी 5-10 साल के एडहॉक प्रोफेसर काम कर रहे हैं। ये बात से मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो आर्ट्स कॉमर्स और साइंस सरकारी जो कॉलेज थी उस सरकारी कॉलेज में 20-25 साल से एडहॉक बेसिस पर कुछ प्रोफेसर काम कर रहे थे, 300 से ज्यादा प्रोफेसर, उनको राज्य सरकार ने निकाल दिया, बोल दिया आपकी जरूरत नहीं है। वो 25 साल के सर्विस वाला प्रोफेसर उसके रिटायर्ड में 5 और 6 साल बाकी होंगे, वो घर पर बैठ गया, सरकार को सामने हमें आंदोलन करना पड़ा और उस सरकार ने फिर उनको अपॉइंट दिया ग्रांटेड कॉलेज में। अभी प्रॉब्लम है जो 25 साल का जो एडहॉक प्रोफेसर था उनकी सर्विस 0 कर दी, उनकी अभी रिमेनिंग सर्विस जो है वो 5 और 6 साल बची होगी, अभी वो न्यू अपॉइंट होगा तो पेंशन का भी प्रॉब्लम है और जो पुरानी जो सर्विस है वो भी चली गई, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि जो एडहॉक को निकाला गया सरकारी कॉलेज में से उनकी जगह उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर 15-16 हजार वाले प्रोफेसर को अपॉइंट कर दिया, तो ये सरकार एक जगह से दूसरी जगह पर अपॉइंट करती है और पूरा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा बिगाड़ दिया है और उसका भोग हम सब प्रोफेसर बन रहे। तो आपकी सरकार आएगी राहुल जी, तो ये जो एडहॉक अपॉइंटमेंट है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो सरकार अपॉइंटमेंट करने जा रही है तो उस पर क्या सोचिएगी और क्या हमारे लिए फायदाकारक निर्णय लेगी सर? ब्रॉडली मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जितना पैसा हेल्थ केयर और एजुकेशन में जाना चाहिए उतना पैसा हेल्थ केयर और एजुकेशन में नहीं जाता है। ये सब जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, पार्ट टाइम, एड हॉक, ये सब इसीलिए है क्योंकि सरकार को जितना सपोर्ट पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ केयर में डालना चाहिए वो नहीं डालती है। तो हमारी जो सरकार आएगी इस चीज में वो पैराडाइम शिफ्ट करेगी, हम पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक एजुकेशन को गुजरात में बिल्ड करेंगे और बेस्ट इन कंट्री पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हम गुजरात में बनाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में, नमस्कार, एक टीचर का क्वेश्चन। राहुल जी, आधे घंटे से जो गुजरात के एजुकेशन कनेक्टेड पार्टी से जो व्यथा व्यक्त होती है, मुझे ऐसा लगता है कि साल में एक बार आदमी अप्रैल फुल बनता है। यहां गुजरात में अध्यापक, शिक्षक और स्टूडेंट लास्ट 22 साल से अप्रैल फुल बन रहे हैं। नंबर वन, अप्रैल फुल, मई फुल, जून फुल, जुलाई फुल, अगस्त फुल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फुल, मतलब वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट में कमल का फूल। सर जीडीपी का, मैं मेरे पॉइंट पे आ जाता हूं, जीडीपी का 3-3.5% हायर एजुकेशन के पीछे प्रोविजन होता है। स्किल इंडिया की बात होती है, गालिब के
कहते थे ख्याल दिल बहलाने के लिए अच्छा है, मेक इन इंडिया, स्टार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया। अगर आप जीडीपी का 3.5% डेवलपिंग कंट्री को देखो, ये परसेंटेज 70-80% है। तो अभी तो अगले 10 साल में भी गुजरात के अध्यापक अप्रैल फुल बनने जा रहे हैं। जो सेंट्रल ने जो नोटिफिकेशन बाहर रखा है उससे जो बात आई है हमारे पास कि आज तक 80% ग्रांट यूजीसी देती थी वो कम करके 50% कर दिया। उसका तीन रिएक्शन आएगा। रिएक्शन नंबर वन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा स्टेट के लिए। दूसरा रिएक्शन आएगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी। गुजरात में 40% पोस्ट प्रोफेसर नॉन एकेडमिक पोस्ट आज भी वैकेंट है। पूरे 7 लाख अध्यापकों का जो हमारा एसोसिएशन है, अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी को, पार्टी के पास हम बहुत बार गए, भीख मांगी, लेकिन हमारा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हमारी लागणी आज मैं पूरे भारत के 7 लाख अध्यापकों और गुजरात के 5,000 अध्यापकों का लेके आया हूं। मेरी एक विनंती है कि जो पार्लियामेंट सेशन चालू होने वाला है 15 तारीख के बाद, तो हमारा आज हमारा जनरल सेक्रेटरी कलकत्ता से आपको सुनने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। नमस्कार डॉक्टर बर्मन। तो मेरा आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी टाइम अनुकूल हो, हम दिल्ली आएंगे। हमारा जो ऑफिस बैरर है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो आपको हमारा जो पूरा इंडिया का जो अध्यापकों और गुजरात का जो अध्यापकों का प्रश्न है वो आप अगली जो नेक्स्ट मेंबर लोकसभा मिल रही है उसमें उठाओ। अगर आप उठाओगे तो ये पूरा समाज आपके साथ है। आप कब आना चाहते हो? आप जब बोलो तब। आपके आप बोलो, 15 से पहले आएंगे आप। कब? आपको आपको कब डेट आपका? आप बताओ कब जाने का है। दो तारीख के बाद, 2 तारीख के सब बाद, दो नहीं नहीं, ये मुद्दा इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15 से जो स्टार्ट होता है राहुल जी को वो पार्लियामेंट में उठाना पड़ेगा। नहीं साहब, अगर आप, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करता हूं। जब भी आप आना चाहें, हाँ जब भी आप मुझे बता दो, हाँ आप आ जाना। ओके। अगर जल्दी आना चाहते हो, मैं मिश्रा जी से बात कर लूंगा। ठीक है, हाँ मिश्रा जी, जल्दी आना चाहते हो तो अगले 3-4 दिन में आ जाओ। ओके आ जाएंगे 4 दिन में। ओके, थैंक यू। आप सबका लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं भैया, मेरा अब, हाँ चलिए लास्ट। हाँ भैया, यहां आके बात कर लीजिए मुझसे, बाद में यहां आ जाइए, बात कर लीजिए। राहुल जी, मुझे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर याद आ रहे हैं, पंडित जी, उनको मिलने का मुझे सौभाग्य मिला था। और उनकी जो बात थी वही इस परिस्थिति के साथ जोड़ के मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ एक दो बात ही। पंडित जी का एक बहुत ही जाना माना सूत्र था, साइंटिफिक टेंपर। अब यहां पर जो हो रहा है वो कंप्लीटली अनसाइंटिफिक टेंपर, एक्सक्लूसिविटी, और लोगों को कैसे ऊंचा या नीचा दिखाया जाए, कैसे हरेक को क्रश किया जाए, वही बात हो रही है। मुझे एक थोड़ा सा अफसोस भी है कि आप यहां आए, हमारी बात सुन रहे हैं। मैं तो कभी का निवृत्त हो चुका हूं, लेकिन आप सुन रहे हैं। मेरी जो अफसोस की बात यह है कि हमारे कांग्रेस के यहां के मित्र, जो हमसे उनको मिलना चाहिए था, अभी तक वो बहुत ही कम मिलते हैं। मैं ये भी चाहूंगा, आप मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका पक्ष सत्ता में आए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1960 और 1970 के दशक में यहां पर जो अध्यापकों ने किया था उससे खुद जयप्रकाश नारायण जी को प्रेरणा मिली थी। हमने यहां नवनिर्माण का आंदोलन किया था, अध्यापकों ने इतनी सारी बातें वहां पर लगाई थी और सारे समाज को एक नव चेतना की दिशा में हम ले जा रहे थे, और उसमें से ये जो आ गए हैं, हरेक को क्रश कर लेना चाहते हैं। ये सब जरिया है, ये प्राइवेटाइजेशन है या
पार्ट टाइम है या एडहॉक है, वो सब एक जरिया है उसका। वो बेसिकली अपने विचार को बदलना चाहते हैं। इसी वजह से शायद या गुजरात में एक यूनिवर्सिटी, आप बहुत ताजुब करेंगे, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है। कहते हैं कि सारी दुनिया में नहीं है, सारी दुनिया में अक्ल है। तो ये जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसी बेहूदी बातें होती है। एक्सपेक्टिंग मदर जो होती है, 5 महीने का जो होता है, उसके सामने बैठ के किसी एपिक से या किसी ग्रंथ से कुछ पढ़ा जाता है और फिर वो उसका जन्म होता है, वो बढ़ता जाता है। 18 साल तक उसको इसी विचारों के घेरे में रखने की कोशिश की जाती है। मुझे मालूम नहीं कुछ सुपर रेस का ख्याल है क्या हो रहा है, मगर ऐसी बातें भी हो रही है। यहां पर संस्कृत यूनिवर्सिटी है, योगा यूनिवर्सिटी है, डिफेंस यूनिवर्सिटी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, इन सभी के लिए पैसे हैं, लेकिन अध्यापकों को देने के लिए पैसे नहीं है, पार्ट टाइमर्स को देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे कई पार्ट टाइमर्स हैं जो जिंदगी तो फुल जीते हैं लेकिन उनको पैसे आधा मिलते हैं, आधे से भी कम मिलते हैं। तो ये बहुत ही सीरियस बातें हैं। मैं एक पत्रिका चलाता हूं, पिछले 30 सालों से उसका संपादन करने का मुझे सौभाग्य है, अभिदृष्टि करके, उसमें मैं हमेशा इसके बारे में लिखता रहता हूं। फिर भी हमें ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, हमें कहीं इकट्ठा होने भी नहीं दिया जाता है, हमें कुछ एजिटेशन भी करने नहीं दिया जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि वेरी मच आई विश दैट कांग्रेस कम्स टू पावर। अगर खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो कम से कम आपके कांग्रेस वाले हमसे मिलते रहे, इतना तो होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दूर दूर से आए, आप कलकत्ता से आए और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मेरी बात सुनी, इतने प्यार से सुनी। आपके सुझाव बहुत अच्छे लगे और आपने जो पॉइंट्स रेज किए वो मैंने सुने और उसके बारे में, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी जब यहां जीतेगी तो एक्शन लेगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।